ये इतने बड़े टावर के ऊपर से एक एक को पानी के ऊपर फेंकने वाला हूँ। WL टॉयज RC बोट को फेंकूंगा गाइस। देखो ये घूमती हुई पानी के ऊपर क्रैश हो चुकी है। ओ माय गॉड, मेरे को नहीं लगा था कि ये टूटेगी गाइस। देखो इसके दो टुकड़े हो चुके हैं। हेलो गाइस, आप लोगों को पता होगा मेरे पास बहुत सारे यूनिक RC बोट्स और RC कार्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो आज मैं एकदम खतरनाक सी चलने वाली RC बोट्स को चलाने वाला हूँ। चलो पहले दिखाता हूँ मेरे पास कौन सी RC बोट्स है। यहाँ पे आ जाओ गाइस मेरे साथ। ये मेरा स्टूडियो है। यहाँ पे देखो, ऊपर मैंने सिर्फ पानी पर चलने वाली बोट्स को ही रखा है। आज मैं इनमें से जो भी मेरे पास सबसे ज्यादा तेज चलने वाली बोट होगी उसको लूंगा और सर्फिंग बोट को भी लूंगा गाइस। इन सभी को निकालते हैं और चलते हैं तालाब के पास टेस्ट करने के लिए। के सभी बोट्स लेकर मैं आ चुका हूँ तालाब के पास। को पहले अनबॉक्स करते हैं, फिर इनको तालाब के अंदर भी चला के बताने वाला। बहुत ज्यादा कीचड़ है यार यहाँ पे। मेरे को तो चलने ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी ऊपर चढ़ते हैं गाइस। इसके प्लेटफॉर्म पे तो मैं चढ़ चुका हूँ अभी। तो आज मैं एक से बढ़कर एक बोट लाया हूँ गाइस टेस्ट करने के लिए। यह है स्पेक्टर बोट। इस बोट के अंदर मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर रखे हैं और सर्फिंग बोट भी मैं लेके आ चुका हूँ आज टेस्ट करने के लिए। देखते हैं सर्फिंग बोट इन सभी बोट्स को हरा पाता है या नहीं। यहाँ पे देख लो, ये है ड्रैगन RC बोट। इसके अंदर दो प्रोपेलर्स लगे हैं पीछे की तरफ। ये है WL टॉयज की बोट। इसके अंदर एक बहुत बड़ा सिंगल प्रोपेलर लगा है। इसकी टॉप स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। पिछली बार इसका प्रोपेलर खो गया था, अब मैंने इसका प्रोपेलर भी खरीद लिया। आज इसकी मैं फाइट कराऊंगा WL टॉयज बोट के साथ। ये बोट भी बहुत ज्यादा फास्ट है। इसका नाम है FT009 बोट। आज तक इस बोट को कोई भी दूसरी बोट रेस में नहीं हरा पाई है। इसकी भी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तक जा सकती है। चलो बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से स्पेक्टर बोट को मैं आपको अनबॉक्स करके बता देता हूँ। ये स्पेक्टर बोट JJRC की तरफ से मैंने खरीदा था। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से अगर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। तो भाई इसको पानी में चलाने के कारण अब ये थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो फिर मैंने इसको रिपेयर कर दिया है पूरी तरीके से। बोट को यहाँ से निकाल लेते हैं। इसका रिमोट मैंने अलग से अटैच किया है, वो आपको थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। पीछे की तरफ इसके अंदर भी सिंगल मोटर दी गई है। इसको एक बार ओपन करके भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे मैंने बैटरी भी अलग से लगा रखी है। इसके अंदर बहुत ही छोटी सी बैटरी होती थी पहले, अब मैंने बड़ी बैटरी इसके अंदर लगा दी है। यहाँ पे इसकी मोटर है, मोटर मैंने चेंज नहीं किया गया। इसके अंदर मैंने सर्वो चेंज किया है और इसका ESC इसके अंदर रख दिया है ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जा सके। तो ये इसका कैमरे का मॉड्यूल है। इसके अंदर इसका कैमरा फिट किया गया है। यहाँ पे कैमरा का होल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इसके साथ बहुत सारे पार्ट्स मिले हैं मेरे को। ये इसका मोबाइल फोन होल्डर है, ये रिमोट के ऊपर लग जाएगा और यहाँ पर हम लोगों को इसके अंदर मोबाइल लगाना पड़ता है। अब अनबॉक्स करते हैं सर्फिंग बोट को। इसको मैंने 25,000 रुपए में खरीदा था यार। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से अगर आप चाहे तो इसे भी खरीद सकते हो। बॉक्स को ओपन कर लिया है मैंने। इसकी पैकिंग मेरे को बहुत ज्यादा सही लगती है, एकदम तरीके से इन लोगों ने पैक करके रखा हुआ है इसको। इसके अंदर दो अलग अलग बॉक्सेस है। यहाँ पे एक बॉक्स है, इसके अंदर है हमारा सर्फिंग बोर्ड। इसका साइज देखो यार, कितना ज्यादा बड़ा है भाई साहब। मेरे को तो लगता है मैं इसके ऊपर भी ठहर के चला सकता हूँ, इतना ज्यादा मजबूत है ये। बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है। देखो गाइस, ये इसका सर्वो है, इसी से ही इसका डायरेक्शन चेंज होता है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा सर्वो इस तरफ लगाया गया है। अभी दिखाता हूँ इसके साथ क्या क्या चीजें और मिलती है। यहाँ पे और छोटे छोटे तीन बॉक्सेस है। ये बॉक्स ओपन करते हैं पहले। ओपन कर लिया मैंने। इसके अंदर देखो इसका चार्जर है और बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं। और क्या है, अच्छा ये इसका सर्वो का एक अटैचर भी दिया गया है। और एक बॉक्स है, यहाँ पे है इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट का साइज देखो, काफी ज्यादा बड़ा है भाई साहब। यहाँ पे इसकी स्टीयरिंग है, यहाँ पे बहुत सारे नॉब्स है अपने सर्फिंग बोट को अलग अलग तरीके से चलाने के लिए। इस तरह का रिमोट तो मैंने आज तक कोई RC कार के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं देखा है। इतनी ज्यादा सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है ये रिमोट। यहाँ पे एक और बॉक्स है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये है इसका राइडर। ये जो राइडर है सर्फिंग बोट के ऊपर लग जाएगा। तो अब इसको एक बार खोल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत बड़े बड़े स्क्रूस इसके ऊपर दिए गए हैं और इसके अंदर एक रबर की फिटिंग भी आती है ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जा सके। ये मैंने इसको खोल दिया है। इसके अंदर देखो आप कितनी ढेर सारी चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पे RC कार के अंदर जो ESC दिया जाता था वही वाला ESC है, उसी तरह का सर्वो यहाँ पे दिया गया है। ये इसका रिसीवर है, इसको पूरी तरीके से पन्नी में पैक किया गया। अगर इसके अंदर थोड़ा भी पानी चला जाए ना तो रिमोट को जो है प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसके ऊपर एक्स्ट्रा पन्नी भी लगा दी गई। यहाँ पे मैंने
मैंने इसके अंदर बैटरी लगा रखी है। एक्चुअल में इसके साथ मेरे को NIMH बैटरी मिली थी, तो मैंने वो बैटरी अभी हटा दी है। इसके अंदर देखो लाइपो बैटरी लगा दी है ताकि ये जो सर्फिंग बोर्ड है बहुत फास्ट चल सके। यहाँ पे इसकी मोटर दी गई है, मोटर काफी ज्यादा बड़े साइज की मेरे को लग रही है, 550 सीरीज की मोटर। इसके ऊपर देखो कूलिंग पाइप भी लगाया गया है, यहाँ से ये जो पानी है ना यहाँ से बाहर की तरफ आ जाएगा और पानी देखो अंदर की तरफ यहाँ से घूम घूम कर बाहर निकल जाएगा। तो अब इसके राइडर को मैंने इसके ऊपर फिट कर दिया है। ये राइडर देखो इस तरीके से मूव भी कर सकता है और बहुत अलग अलग तरीके की स्टंट भी कर सकता है। ये एंटीना का केबल है तो इसको हम लोगों को इसके अंदर ऐसे लगाना पड़ता है। ये देखो लगा दिया मैंने। अब इसके ऊपर जो स्क्रूज है ये हम लोग फटाफट से कस देंगे। गाइस यहाँ पे देख सकते हो सभी बोर्ड्स को मैंने रख दिया है, तो क्लियरली ये जो सर्फिंग बोर्ड है इन सब में बहुत ज्यादा बड़े साइज का है। FT009 बोर्ड इतनी ज्यादा बड़ी है, फिर भी अगर मैं इसके साइड में रख रहा हूँ तो इन दोनों के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। बाकी ये दोनों बोर्ड बिल्कुल सेम टू सेम साइज के है। ये जो बोट है ना भाई सबसे ज्यादा सस्ती ड्रैगन बोट है, इसको मैंने सिर्फ 3000 रुपीस में खरीदा था। आज देखते हैं गाइस इन सब में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा फास्ट। चलो गाइस अभी कराते हैं फाइट। सबसे पहले इन आरसी बोट्स की मैं बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करने वाला हूँ। ये इतने बड़े टावर के ऊपर से एक एक को पानी के ऊपर फेंकने वाला हूँ। सबसे पहले WL Toys RC बोट को फेंकूंगा गाइस। देखो ये घूमती हुई पानी के ऊपर क्रैश हो चुकी है। ओ माय गॉड, मेरे को नहीं लगा था कि ये टूटेगी गाइस। देखो इसके दो टुकड़े हो चुके हैं, इसका बॉडी कवर यहाँ पे है, बोट कहाँ गई? अरे भाई पकड़ ले कहीं डूब ना जाए। ओ माय गॉड मिल गई यार, अगर ये डूब जाती तो मेरे हाथ लगती नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गहरा पानी है। ये पानी में डूबने के बाद भी चलेगी क्योंकि इसके पार्ट्स कंप्लीट वाटरप्रूफ है। बस ऊपर के जो क्लिप्स है ये टूट चुके, कोई दिक्कत नहीं, मैं इनको जोड़ लूंगा। अब सर्फिंग बोट को फेंकते हैं टावर के ऊपर से, देखते हैं गाइस ये टिकता है या फिर टूट जाता है। ओ माय गॉड, इतनी ऊपर से फेंकने के बाद भी देखो यार इसको कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। कुछ तो अलग मैकेनिज्म इसके अंदर दिया गया है, जैसे कि मैं इसको पलटने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ पानी के ऊपर, पर ये बार बार अपने आप ही सीधा हो रहा है। बहुत ही कमाल की चीज लगी मेरे को, ये बहुत ही मजबूत प्लास्टिक से बनाया गया है, इस वजह से देखो यार इतनी ऊपर से फेंकने के बाद भी अभी भी एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो एक काम करते हैं को थोड़ा सा झाड़ियों में भी चला के देख लेते हैं। ओ माय गॉड, झाड़ियों के अंदर भी देखो गाइस ये बहुत ही कमाल तरीके से चल रहा है क्योंकि ये एकदम भारी भरकम सर्फिंग बोर्ड है। ओहो, अब मेरे को समझ में आया गाइस, ये झाड़ियों को काट रहा है पूरी तरीके से क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल प्रोपेलर भी दिया गया है साथ में। जहां तक इसकी कंट्रोलिंग की बात करूं, बहुत ही कमाल की कंट्रोलिंग दी गई है। अब इसकी रेंज टेस्ट करके देखते हैं गाइस, बहुत दूर तक मैं इसको चलाने वाला हूं, तकरीबन 500 मीटर दूर मैं इसको चलाऊंगा। देखो गाइस अभी भी ये जा रहा है आधे तालाब तक मैंने इसको चला दिया। यहाँ पे एक डक भी बैठी हुई थी, देखो जिसकी आवाज सुनकर वो डक यहाँ से डर के भाग चुकी है क्योंकि ये सर्फिंग बोट के अंदर से बहुत ही ज्यादा लाउड आवाज आ रही है क्योंकि यार इसके अंदर बहुत ही पावरफुल मोटर दी गई है। ओवरऑल गाइस सर्फिंग बोट की परफॉर्मेंस देखकर मैं कुछ शॉक हो चुका हूँ यार, मैंने इसको इतना एक्सट्रीम लेवल पर पहली बार टेस्ट किया, मजा आ गया गाइस इसको चला के। ओके अभी JJRC स्पेक्टर बोट को टेस्ट करके देखते हैं। ये बहुत ज्यादा शोर मचा रही है और इसके अंदर पता नहीं अजीब तरीके की वाइब्रेशन भी आ रही है। अच्छा मेरे को अब समझ में यार, मैं इसके अंदर ऑयलिंग करना भूल गया था क्योंकि इसको हम लोग पानी में चलाते हैं तो यार इसके अंदर बहुत ज्यादा जंग लग जाता है। ठीक है यार इस बार इसको चला के देख लेते हैं किस तरह से चल पाती है। ओवरऑल गाइस इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, स्पीड भी इसकी बहुत बढ़िया मेरे को लग रही है। काम करते हैं इसको भी थोड़ा सा झाड़ियों में चला के देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये झाड़ियों में भी चल रही है। अब इसको थोड़ा सा मैं टर्न करा के लेके आता हूँ। इस तरफ बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं। ओ माय गॉड, ये तो फंस गई यहाँ पे। काम करते हैं फुल ट्रिगर देते हैं। ओके फुल ट्रिगर देने पर देखो यार इसकी मोटर बहुत स्पीड से घूमने लगी है और झाड़ियों में से भी निकल के आ चुकी है। काफी कमाल की बोट है ये भी। ओके अब ये सबसे ज्यादा पावरफुल FT009 बोट को टेस्ट करके देखते हैं। इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर दिया गया है, जब तक हम लोग इसको पानी में नहीं रखते हैं तब तक ये ऑन नहीं होती है। चलो गाइस अब इसको ऊपर से फेंक के देखते हैं। ये मैंने फेंक दिया यार, इसको तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। देखो गाइस इसके तो बिल्कुल भी टुकड़े नहीं हुए, जस्ट ये पलट गई थी। अब एक बटन दबाने पर ये अपने आप को सीधा भी कर लेती है क्योंकि इसके अंदर सेल्फ राइटिंग फीचर दिया गया है। जहां तक इसकी स्पीड की बात करूं, स्पीड बहुत ही ज्यादा गजब की है। ये देखो गाइस देखते ही देखते भाई पलक झपकते ही ये इधर से उधर निकल जाती है। तो यार इसको मैं इस बार झाड़ियों में नहीं चलाने वाला हूँ क्योंकि पता होगा पिछली बार जब मैं इसको झाड़ियों में चलाया था ये झाड़ियों में जाकर फंस गई थी क्योंकि इसकी पतवार काफी ज्यादा बड़ी है तो वो पतवार जाकर झाड़ियों में अटक जाती है। अब मैं ड्रैगन बोट को पानी के ऊपर चलाने वाला हूँ। इसके अंदर डुअल प्रोपेलर सिस्टम दिया गया है और रिमोट के अंदर इसकी स्पीड कम ज्यादा करने का भी एक बटन दिया गया है। तो ये फर्स्ट गियर में चल रही है, बहुत आराम से चल रही थी गाइस। अभी सेकंड गियर में इसको चलाते हैं, झाड़ियों के अंदर से देखते हैं निकल पाती है या नहीं। ये क्या हो गया यार, ये तो झाड़ियों में जाकर फंस गई है। मैंने तो इसके अंदर थर्ड गियर भी लगा दिया है, फिर भी देखोगे ये झाड़ियों के अंदर आगे भी
नहीं जा रही, मैं इसको रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा था, रिवर्स भी ये नहीं चल पा रही है, मेरे को लग रहा है अब ये पूरी तरीके से यहाँ पे फंस चुकी है। देखते हैं इसको ऐसे ही थोड़ी देर छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे लहरें बहुत ज्यादा आ रही है, लहरों में बह गई है मेरे पास, आप आती है या नहीं। तब तक ये WL Toys बोट को टेस्ट करके देखते हैं, ये बोट भी बहुत ज्यादा फास्ट है, देखोगे जैसे लगता है कि ये पानी के ऊपर उड़ रही है, इतनी ज्यादा फास्ट, इतना ज्यादा सुपर रेस्पॉन्सिव बोट मैंने आज तक बिल्कुल भी नहीं चलाया है। एक काम करते हैं गाइस, ये बोट को लेके जाते हैं अभी झाड़ियों के अंदर, देखते हैं ये चलती है या फिर ये भी फंस जाती है ड्रैगन बोट के जैसे ही। बहुत आराम से निकल गई भाई, इसको तो कोई दिक्कत हुई नहीं। एक काम करते हैं गाइस, इसको यूज करके ड्रैगन बोट को यहाँ से निकालने के लिए ट्राई करते हैं क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल बोट है और इसके अंदर बहुत पावरफुल मोटर भी दी गई है। अब मैं इसके ऊपर जंप कराऊंगा। ओ माय गॉड, सही तरीके से इसने जंप लगा दिया है और देखो इसको धक्का देके पीछे खिसका दिया है, इस वजह से अपनी ड्रैगन बोट यहाँ से निकल गई है। मान गए यार WL Toys बोट को, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये बोट से मैं ड्रैगन बोट को यहाँ से आराम से निकाल लूंगा। ये बोट इतनी ज्यादा फास्ट है, इतनी ज्यादा सुपर रेस्पॉन्सिव है कि गाइस एक बार में तो ऐसा लगता है कि ये पानी के ऊपर उड़ रही है। अब रेस कराते हैं सर्फिंग बोट वर्सेस स्पेक्टर बोट के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा तेज। सर्फिंग बोट ने यहाँ पे चीटिंग करके स्पेक्टर बोट को पलट दिया है पानी के ऊपर और ये बिल्कुल भी सीधी नहीं हो पा रही है। सर्फिंग बोट को इधर लेके आते हैं और इसको धक्का मार के सीधा करने के लिए कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया यार, ये तो इसके ऊपर से निकल रहा है। आप देखो रिमोट के अंदर मैंने एक बटन दबाया है और अपनी स्पेक्टर बोट सीधी हो चुकी है, वापस से दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो सर्फिंग बोट बहुत ज्यादा फास्ट है यार, ये एक राउंड लगा के भी वापस आ चुका है मेरे पास। अब तक देखो स्पेक्टर बोट वहीं पे ही पड़ी है, क्लियरली यहाँ पे सर्फिंग बोट जीत चुका है रेस को। अब देखते हैं क्या सर्फिंग बोट ये ड्रैगन बोट को भी हरा पाता है, यानी ड्रैगन बोट के अंदर इनिशियल पिकअप बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर डुअल प्रोपेलर दिए गए। ड्रैगन बोट बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी, यहाँ से दोनों को टर्न करा लेते हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में छोटी सी टक्कर हो गई थी, इस कारण ड्रैगन बोट का बैलेंस बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। देखो गाइस ये बहुत ज्यादा पीछे रह गई है, क्लियरली सर्फिंग बोट वापस से जीत गया है। भाई साहब मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि इसने ड्रैगन बोट को ही हरा दिया है रेस में। अब होगी एकदम खतरनाक वाली रेस सर्फिंग बोट वर्सेस WL Toys बोट के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। WL Toys बोट बहुत ज्यादा फास्ट है, अब यहाँ पे मैं दोनों को टर्न करा रहा था, WL Toys बोट का टर्निंग रेडियस बहुत ज्यादा है, फिर भी गाइस इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होने के कारण क्लियरली इसने सर्फिंग बोट को हरा दिया है रेस में। ये दो बोट से सबसे ज्यादा फास्ट, अब कराते हैं इन दोनों के बीच में रेस। यहाँ पे भी WL Toys बोट बहुत ज्यादा आगे निकल गई है, यहाँ पे टर्न करा लेते हैं, टर्निंग रेडियस WL Toys बोट का बहुत ज्यादा होने के कारण देखो यार ये पीछे हो गई है। FT009 बोट देखो यार कितने आराम से टर्न ले चुकी है और ये क्लियरली रेस को जीत भी चुकी है। ये बोट बहुत ही छोटे से एरिया में आराम से टर्न हो जाती है, इस वजह से गाइस इसको हैंडल करना और इसको चलाना और इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, इस वजह से यार हर एक रेस में ये बहुत आराम से जीत भी जाती है। ओ माय गॉड, इसको चलाते चलाते मैं झाड़ियों में लेके आ चुका हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स लेके आ जाता हूँ गाइस, मैं इसको झाड़ियों में फंसाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत आराम से झाड़ियों में फंस जाती है यार। अब मैं कराने वाला हूँ थग ऑफर, दोनों के बीच में एक रस्सी मैंने बांध दी है। नो डाउट WL Toys बोट बहुत ज्यादा फास्ट है सर्फिंग बोट के मुकाबले में, देखते हैं थग ऑफर में कौन जीतता है। यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है, WL Toys बोट सर्फिंग बोट को पानी के अंदर डुबोने की पूरी कोशिश कर रही है। इसका राइडर देखो यार, मेरे को लगा था कि डूब के पानी के अंदर ही चला जाएगा, पर पता नहीं गाइस सर्फिंग बोट के अंदर कहां से इतनी ताकत आ चुकी है कि ये WL Toys बोट को ही पानी के ऊपर घसीट के लेके जा रहा है और WL Toys बोट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही है। मेरे को लग रहा है ओवरहीट होने के कारण इसकी मोटर बंद पड़ चुकी है, इसी बात का फायदा उठाकर सर्फिंग बोट यहाँ पे क्लियरली जीत चुका है तगो फोर में। आप सर्फिंग बोट की तगो फोर कराते हैं FT009 बोट के साथ, ये बोट के सामने देखते हैं सर्फिंग बोट टिक पाएगा या फिर नहीं। यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है, FT009 बोट पूरी कोशिश कर रही है सर्फिंग बोट को अपनी तरफ खींचने के लिए, पर सर्फिंग बोट बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रहा है। देखो गाइस ये ऑलमोस्ट खींच के लेके जा चुका है FT009 बोट को और FT009 बोट यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए, पर सर्फिंग बोट बहुत ज्यादा पावरफुल है गाइस क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भारी भरकम होने के कारण दूसरी बोट इसको बिल्कुल भी नहीं खींच पा रही है। क्लियरली यहाँ पे वापस से सर्फिंग बोट जीत चुका है, ये देखो इसका प्रोपेलर इतनी तेजी से घूम रहा है। अब होगी एकदम कमाल की फाइट, एक तरफ मैंने सर्फिंग बोट को बांध दिया है, दूसरी तरफ देखो यार स्पेक्टर बोट और ड्रैगन बोट को भी बांध दिया है। इन दोनों बोट्स को भी यार सर्फिंग बोट बहुत आराम से खींच के लेके जा रहा है, मेरे को नहीं लगा था कि ये दोनों को इकट्ठा हरा पाएगा, पर दोनों को भी भाई इसने चुटकी बजाते ही हरा दिया है। तगो फोर में ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पर गाइस इसके अंदर पावर बहुत ही ज्यादा गजब की दी गई है।
ओके, अब एक अलग तरीके का टेस्ट करते हैं, देखते हैं कौन सबसे अच्छे तरीके से रिवर्स मोड में चल सकता है। सबसे पहले सर्फिंग बोट को टेस्ट करके देखते हैं। सर्फिंग बोट बहुत आराम से चल रहा है रिवर्स मोड में, पर इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है। इतनी स्पीड ठीक ठाक है यार इसको रिवर्स लेके आने के लिए। बाकी अब ड्रैगन बोट को टेस्ट करके देखते हैं। ड्रैगन बोट तो रिवर्स में बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, फिर भी देखो यार इसके अंदर दो प्रोपेलर दिए गए, ये चलना चाहिए यार, पर ये तो पानी के ऊपर गोल गोल घूमे जा रहा है। मेरे को लग रहा है गाइस इस वजह से ये झाड़ियों में से नहीं निकल पाया था। अब देखते हैं FT009 बोट चल पाएगी या फिर नहीं। FT009 बोट तो बहुत आराम से पानी के ऊपर रिवर्स मोड में चल रही है, पर जैसे ही मैं इसको हाई स्पीड पर रिवर्स में चलाने की कोशिश कर रहा हूं तो देखो यार ये ऑलमोस्ट पानी के अंदर डूब रही है। तो अब ये बोट को भी चला के देखते हैं पानी के ऊपर चल पाएगी या फिर नहीं रिवर्स मोड में। ये भी ठीक ठाक तरीके से चल रही है। तो मैंने WL Toys बोट को भी टेस्ट करके देखा है, WL Toys बोट भी रिवर्स मोड में बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इतनी सारी बोट्स में से कौन सी बोट अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूं शॉट। पहला नाम है उमाकांत, सौरभ, आयुष, उस्मान, नवाज, चीकू, फैसल, उत्तम, राजेश, केतन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।